आप भी तो घर नहीं ले आए नकली तुलसी माला, ऐसे करें असली की पहचान। बाजार से तुलसी की माला खरीदते समय असली और नकली माला में अंतर कर पाना लोगों के लिए अक्सर मुश्किल होता है। ऐसे में कई बार ग्राहक असली समझकर नकली माला खरीद लेते हैं, जिससे वे धोखे का शिकार हो जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप असली तुलसी माला की पहचान कर सकते हैं। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सनातन धर्म में तुलसी का काफी महत्व होता है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण ने भी तुलसी के नीचे शालिग्राम के रूप में निवास किया था। भक्तों के लिए तुलसी की माला धारण करना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि कई लोग जब इसे बाजार से खरीदने जाते हैं तो असली और नकली माला में अंतर नहीं कर पाते हैं। ज्योतिषी पंडित अजय तेलंग के अनुसार तुलसी की माला नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होती है और इसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। पंडित अजय तेलंग बताते हैं कि बाजार में मिलने वाली माला अक्सर नकली होती है, जो तुलसी के नाम पर किसी अन्य लकड़ी से बनी होती है। ऐसे में उन्होंने तुलसी की माला की असलियत पहचानने का एक सरल तरीका बताया है। इसके लिए आप एक बर्तन में पानी भरें और तुलसी की माला को उस पानी में डालें। माला को लगभग आधे घंटे के लिए पानी में छोड़ दें। यदि माला नकली होगी तो वह पानी में रंग छोड़ देगी और नीचे बैठ जाएगी। अगर माला असली होगी तो पानी के ऊपर तैरती रहेगी और कोई रंग नहीं छोड़ेगी। इस आसान तरीके से आप बाजार से खरीदी गई तुलसी की माला की असलियत की जांच कर सकते हैं। अगली बार जब आप तुलसी की माला खरीदें, तो इस तरकीब को जरूर आजमाएं। इससे आप नकली माला खरीदने के धोखे से बच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।